एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ मैथ्स वर्कशीट फॉर क्लास वन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए जिसका मैंने अभी तक वीडियो अपलोड न किया हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, डालिए कि आपको कौन सा नया टॉपिक चाहिए और मैं उस वीडियो को अपलोड करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, क्लास वन मैथ्स वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर वन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश हैज़ नो साइड्स। ए सर्कल हैज़ नो साइड्स। व्हेन विच डिजिट इज़ इन द टेंस प्लेस इन 45। 45 में टेंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 4। 46 पेंस प्लस 23 पेंस इज इक्वल टू, इसको ऐड करना है तो टोटल कितना हुआ? 69। 98, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98 माइनस 98, 0। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट 95 इन एक्सपांडेड फॉर्म। 95 में टेंस कितने हैं और वंस कितने हैं? टेंस इज, टेंस के प्लेस पर 9 है तो 9 टेंस प्लस वंस के प्लेस पर 5 है तो 5 वंस। इन 57 द डिजिट 7 इज इन द डैश प्लेस। 7 वंस के प्लेस पर है और टेंस के प्लेस पर 5 है। नेक्स्ट वन इज़ राइट द टाइम। ये क्लॉक है, इसमें देख करके टाइम बताना है तो ये 5 o'clock हो रहा है। द सम ऑफ 62 एंड 5 इज सम। सम का मीनिंग होता है ऐड, एडिशन। तो 62 प्लस 5 इज इक्वल टू 67। नेक्स्ट वन इज़ 5 मल्टीप्लाई बाई 2 शोन एज रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में हम इसे कैसे मेंशन कर सकते हैं? तो 5 को हम अगर 5 इंटू 2 तो 2 5 टाइम्स है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, जिसका एडिशन हो जाएगा 10। नेक्स्ट वन इज़ ए डे हैज़ डैश आवर्स। डे में एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 7 टेंस प्लस 2 वंस। 7 टेंस मीन्स 70 प्लस 2 वंस तो टोटल इज 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डैश प्लस 6 इज इक्वल टू 15। 15 एडिशन का टोटल है, यहाँ पर ये ब्लैंक है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 9। 15 माइनस 6 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज 13th क्वेश्चन। 10 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर इज इक्वल टू 100। 10 का अगर हम टेबल बोलेंगे तो 10 टेंजा 100 होता है। 80 कम्स बिटवीन 80 कम्स बिटवीन डैश एंड डैश। तो 80 के पहले 79 आता है और 80 के बाद 81। तो 80 कम्स बिटवीन 79 एंड 81। द फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड द डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पुट द करेक्ट साइन। सबसे पहले इस दोनों साइड को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद करेक्ट साइन या तो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 तो इसका टोटल होगा 40 और इसका टोटल होगा 49। तो 49 इज़ ग्रेटर देन 40। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 इज़ इक्वल टू 40। नेक्स्ट वन इज़ 56 माइनस 56 इक्वल, ये दोनों का आंसर 0 आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। 3 टेंस का आंसर 14 एंड 16 में 14 इज़ ग्रेटर देन 6। 3 टेंस का आंसर आएगा 30। 5 टेंस एंड 3 वंस 53। तो 53 इज़ ग्रेटर देन 30। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ एंड शो एज रिपीटेड एडिशन 7 times 2। 7 times 2 को हम कैसे लिखेंगे? 7 times 2 को 2
प्लस टू प्लस टू, इसको 7 टाइम्स लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7. अब इसे ड्रॉ भी करना है. यहाँ पर लिखा है ड्रॉ करो और शो करो रिपीटेड एडिशन, तो मैंने यहाँ पर रिपीटेड एडिशन शो कर दिया है. अब 7 टाइम्स मुझे ड्रॉ भी करना है 2 को, तो मैं सर्कल सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ जो बच्चों को इजी होता है. इसका आंसर टोटल हो जाएगा 14. 4 टाइम्स 10, 10 हमको कितने बार लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है. तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो चलिए हम 10 को भी ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे एक बंच बना करके मैं सर्कल कर देती हूँ. इस तरीके से, तो ये इसका टोटल आंसर हो जाएगा 40. 3 टाइम्स 5, 5 हमको कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है. तो 5 प्लस 5 प्लस 5, इसमें हम 5 टाइम्स बना लेंगे सर्कल. तीन बंच है 5 के, तो टोटल इज़ 15. इस तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4, रीड द टाइम एंड ड्रॉ द हैंड्स. अब यहाँ पर मेंशन किया है 3 o'clock, तो बच्चों को हमको सिखाना है कि 3 o'clock होता है तो उसमें मिनट का हैंड और आर का हैंड किस तरीके से मेंशन करते हैं. तो 3 पर शॉर्ट हैंड और 12 पर लॉन्ग हैंड. 5 पर शॉर्ट हैंड, 12 पर लॉन्ग हैंड. 6 सेम शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड. 10 o'clock, 10 पर शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड हमारा 12 पर जाएगा. इस तरीके से. नेक्स्ट वन इज़ राइट एक्सपांडेड फॉर्म इन टू वेज़. टू वेज़ में हमको एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है इन नंबरों का. तो 75 में 7 टेंस है प्लस 5 वंस है, ये एक तरीका हो गया एक्सपांडेड फॉर्म का. और नेक्स्ट तरीका है 7 टेंस मीन 70 प्लस 5. इसी तरीके से 92 का भी 9 टेंस प्लस 2 वंस, तो 9 टेंस को हम 90 लिख सकते हैं और 2 वंस इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट है 54 में 5 टेंस है और 4 वंस है, तो 5 टेंस इज इक्वल टू 50 प्लस 4 वंस इज इक्वल टू 4. तो ये रहा मेरा मैथ्स का पार्ट 1 वर्कशीट. पार्ट 2 वर्कशीट मैं जल्दी ले आऊँगी. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वर्कशीट सभी से शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को हेल्प हो. थैंक यू.